हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी, और फिलहाल अभी मैं किचन में ही बैठी हूँ और फिलहाल बनाने वाले हैं मैगी, बट मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी भतीजी बना रही है। अभी मैं दिखाती हूँ वो कैसे बनाती है। वो बोली है कि चाची मैं बनाती हूँ, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। प्याज वगैरह तो उन्होंने कट कर लिया, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, उन्होंने कट किया है प्याज और टमाटर वगैरह, और अभी ग्रीन चिली ले गई हैं वॉश करने के लिए, उसे भी कट करेंगी वो। तो बनाती है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाती है मेरी भतीजी मैगी। तो गाइस ये देखिए, जो मैगी है वो पानी में डाल रही हैं। पहले सारी मैगी डालोगी ना? हाँ, सारी मैगी डालेंगी और फिर से गैस पे बॉयल होने के लिए रखेंगी। आज की रेसिपी मेरी भतीजी की तरफ से। डालो डालो, नहीं जल रहा, क्या हो गया ऊपर से? तो गाइस गुड़िया से तो नहीं जल रहा था, बट मैंने जला दिया है और अभी इन्होंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें और क्या डालना है? तो फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस इसको ऐसे ही उबालना है। और बाकी कट कर रही है ग्रीन चिली। गर्मी तो हर जगह, मुझे भी गर्मी हो रही है काफी, पसीना पसीना हो रहा है। एक्चुअली लाइट तो नहीं है ना यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे ना लाइट वैसे तो मतलब कुछ पता ही नहीं है कब जाती है कब नहीं। आज तो बहुत जल्दी लाइट यहाँ पे कट हो गई है, ये तो कभी कभी काफ़ी देर तक रहती है और आज कुछ ज़्यादा ही मतलब देर तक। और ये जो मेरी भतीजी कट कर रही है, इसे पहसुल बोलते हैं, बट मुझे चलाना नहीं आता, मुझसे कट नहीं होता इससे। मैं तो जो नाइफ होती है उसी से कट करती हूँ, कोई भी वेजिटेबल वगैरह होता है तो, बट ये लोग इसी से कट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग देखिए कितना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस पर देखिए आपको दिख रहा होगा जो मेरा दुपट्टा एकदम कैसे गीला हो गया है, और ऐसे करने नहीं चाहती। और यहाँ पे देखिए जो मैगी है वो बन रही है, तो बीच बीच में इसे चलाना पड़ रहा है ताकि चिपके ना ये एक साथ, इसीलिए चला रही थी मेरी भतीजी। तो फ्रेंड्स अभी बच्चों को स्कूल जाना, मतलब स्कूल नहीं सॉरी, कोचिंग के लिए जाना पड़ गया। उनको टाइम का पता नहीं चला, मैंने ही बताया था उनको कि 3 बज गई है, तो वो कोचिंग के लिए अब जा रहे हैं ट्यूशन के लिए। तो बस इसे मैंने बोला इस पर ठंडा पानी डाल के रख दो, आना फिर बना के खा लेना। तब वो जा रहे हैं, बस 1 घंटे बाद आ जाएंगे। 1 घंटे बाद आने का फिर ये बना के खा लेंगे, फिर बाकी रेसिपी मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ, जब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो तोरी है और ये जो भिंडी है ना, हमारे खेत की है, सुबह मेरे फादर ने लेके आए थे, तो फिलहाल मैं इसे ही बनाऊँगी। तो अभी वैसे मैं इसे वॉश करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाएगा, फिर इसमें मैं जो मसाला है वो भर के बनाऊंगी। तो चलते हैं इसे थोड़ा वॉश कर लेते, तो मैं फिलहाल इसमें वॉश करूंगी इसे। तो गाइस बस ये टमाटर, गार्लिक और ये जो चिली है और ये ऑनियन वगैरह मैं कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे चॉपर बॉक्स में डाल के चॉप कर लूँगी, और इन सबको मैं चॉपर बॉक्स में डाल के चॉप कर लूँगी। उसके बाद इसे मसाला मिक्स करके और भिंडी वगैरह में मैं इसे भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो स्लिप होती है, स्लिपट बोलते हैं जो जिस पे गैस रखते हैं, मैं उस पर बैठी हूँ, क्योंकि जो हमारा गैस है वो हमने नीचे रखा हुआ है, हम लोग नीचे बैठ के खाना बनाते हैं। तो मैं यहाँ बैठ के जो ये चिली वगैरह से कट कर रही हूँ, क्योंकि जो विंडो की जगह है यहाँ पे वो हमने छोड़ रखी, अभी विंडो नहीं लगी हुई, जो ग्रिल होती है वो नहीं लगी, तो स्पेस अभी ऐसे ही है छूटा हुआ है, क्योंकि जो ऊपर का हमारा पोर्शन है वो अभी बना है कुछ टाइम पहले, तो अभी इसमें कोई भी जैसे ग्रिल वगैरह नहीं लगाई हुई है। तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ और ये सब कट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे तो बैठ के कट करने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बस मैं यहीं बैठ गई हूँ हवा की वजह से, ताकि गर्मी ना हो। बहुत अच्छी हवा आ रही है बाहर से, एकदम ठंडी ठंडी, और मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो इसी वजह से यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये चिली वगैरह तो मैंने अब कट भी कर लिए, तो अब इसे मैं चॉपर बॉक्स में डाल के और इसे चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसमें मैं सारे मसाले डाल के और फिर भिंडी जो है उसे कट करके और उसमें भरूँगी। मैं सोची तोरी में भी मतलब कट करके इसमें डाल देती हूँ, भर देती हूँ, बाकी देखती हूँ। भिंडी तो मतलब कन्फर्म है, तोरी का पता नहीं है। तो चलिए बनाते हैं हमारी भरवा भिंडी एंड तोरी। तो गाइज मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया कीजिए,
और मेरी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी क्या कीजिए, ताकि मुझे पता चले किसने मेरी वीडियो वॉच करी है, किसने नहीं करी है, कहाँ से करी है। आप अपने सिटी का भी नाम दे सकते हैं, जहाँ से भी आप वॉच कर रहे हैं मेरी जो वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं मुझे पता चल सके कि कौन कौन कहाँ से वॉच कर रहा है मेरी जो ये वीडियो है, कहाँ तक जा रही है, मुझे भी पता चलना चाहिए ना। और प्लीज़ जो लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे। तो फ्रेंड देखो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इस स्लीपर पे बैठी हूँ और यहाँ से जो है बहुत अच्छी हवा आ रही है, रियली बहुत अच्छी हवा है। अभी ग्रिल नहीं लगी हुई ना, इसलिए ईट से हम लोगों ने इसे कवर कर रखा, बट बहुत जल्दी यहाँ ग्रिल भी लग जाएगी। तो बस मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि हवा मुझे आती रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो गार्लिक वगैरह है उसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली वगैरह, टमाटो एंड ऑनियन जो भी था उसे मैंने अच्छे से चॉपर बॉक्स में डाल के चॉप कर लिया। और उसमें जितना भी मसाला वगैरह रहता है वो सारा जो है मैंने मसाला, इसमें सूखा जो पाउडर होता है मसाला, वो मैंने मिक्स कर लिया है, ऑयल वगैरह मिक्स कर लिया मैंने इसे। और अब इसमें मैं भर लेती हूँ फटाफट। ये देखिए, ये लोग पड़ के आ चुके हैं और जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तब इन्होंने जो भी कट किया था ऑनियन वगैरह वो इन्होंने डाल दिया है। और ये देखिए मैगी जो इन्होंने बॉयल की थी, बॉयली मैगी है एंड ये सारे मसाले हैं, तो ये सब मसाले डालेंगे इसमें। तो गाइस, जो मैगी है वो मेरी भतीजी ने बना ली है और ये जो भरवा भिंडी है ये भी मैंने बना ली है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।